राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। झारखंड प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन आपके समक्ष कहना चाहती है कि मोटर वाहन के विभिन्न कोटि के शुल्कों में वृद्धि करने का परिवहन विभाग ने झारखंड मोटर गाड़ी संशोधन नियमावली 2023 के रूप में जो प्रारूप प्रस्ताव प्रकाशित किया है, वह प्रारूप प्रस्ताव झारखंड मोटर गाड़ी संशोधन नियमावली 2011 में ही प्रस्तावित था और जिस पर झारखंड सरकार मंत्री परिषद ने दिनांक 28 सितंबर 2013 को विचार कर मोटर वाहन के विभिन्न कोटि के शुल्कों में 3 गुना से अधिक प्रस्तावित वृद्धि को 3 गुना तक ही सीमित रखने का निर्णय कर चुका है और मंत्री परिषद के उक्त निर्णय से पहले ही शुल्कों में जरूरत से ज्यादा वृद्धि हो चुकी है, इसलिए शुल्कों में वृद्धि करना जनहित में नहीं है तथा कल्याणकारी सरकार की अवधारणा के विपरीत है। ज्ञातव्य हो कि परिवहन विभाग द्वारा अवैधानिक तरीके से एवं मंत्री परिषद के निर्णय को दरकिनार कर झारखंड मोटर गाड़ी संशोधन नियमावली 2011 में प्रस्तावित मोटर वाहन के विभिन्न कोटि के शुल्कों को ही झारखंड मोटर गाड़ी नियमावली 2021 के रूप में लागू किया गया था, जिसे झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन की याचिका पर स्थगित कर दिया गया है और अब फिर से पुनः झारखंड मोटर गाड़ी संशोधन नियमावली 2011 में प्रस्तावित मोटर वाहन के विभिन्न कोटि के शुल्कों को ही परिवहन विभाग झारखंड सरकार झारखंड मोटर गाड़ी नियमावली 2023 के रूप में लागू करने का प्रयास कर रही है, जो अनुचित अव्यवहारिक एवं मंत्री परिषद के निर्णय के विपरीत थे। गौरतलब है कि झारखंड के राजपत्र के असाधारण अंक संख्या 778 दिनांक 18/10/2013 में प्रकाशित झारखंड मोटर गाड़ी संशोधन नियमावली 2011 के प्रस्तावना में मोटर वाहन के विभिन्न कोटि के विनिर्दिष्ट शुल्कों में वृद्धि करने का प्रारूप प्रस्ताव था, नया शुल्क अंत स्थापित करने का नहीं। दिनांक 28 सितंबर 2013 को मंत्री परिषद ने भी मोटर वाहन के लिए विभिन्न कोटि के शुल्कों में 3 गुना से अधिक प्रस्तावित वृद्धि को 3 गुना तक सीमित रखने का निर्णय लिया था, परंतु परिवहन विभाग झारखंड सरकार ने झारखंड मोटर गाड़ी नियमावली 2013 में नया शुल्क अंत स्थापित कर दिया था, जो झारखंड गजट के प्रस्तावना एवं मंत्री परिषद के निर्णय के विपरीत थे। साथ ही साथ मोटर वाहन कानून और नियमावली के अनुसार भी जो नया शुल्क अंत स्थापित किया गया, वह अंत स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोटर वाहन कानून और नियमावली में जो नया शुल्क अंत स्थापित की गई है, उसे अंत स्थापित करने का कोई कानून और नियम नहीं है। समीचीन है कि मोटर वाहन के लिए विभिन्न कोटि के शुल्क में वृद्धि के साथ अधिभार भी मिलाकर विहित किया गया है, जबकि मोटर वाहन कानून और नियमावली में अधिभार के साथ शुल्क विहित करने का प्रावधान नहीं है। हाँ, असामान्य या विशेष परिस्थिति में जरूरत के अनुसार उस असामान्य परिस्थिति या विशेष परिस्थिति तक एक सीमित समय के लिए जनहित में अधिभार लिया जाता है। वर्तमान समय में असामान्य परिस्थिति या विशेष परिस्थिति नहीं है, इसलिए अधिभार के रूप में ली जा रही शुल्क वापस लिया जाए। अतः आग्रह है कि जनहित में एवं विधि के संरक्षण के लिए और झारखंड सरकार मंत्री परिषद के निर्णय में आलोक में मोटर गाड़ी संशोधन नियमावली 2023 को वापस लेने और झारखंड मोटर गाड़ी संशोधन नियमावली 2013 में विहित नया शुल्क और 2023 में भी नया शुल्क विहित करने का प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा प्रदान की जाए। इन सब कार्यों में झारखंड प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद सिंह बहुत जोरों शोरों से अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं और इस कार्य को पूरा करेंगे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।